एक बार एक किसान की घड़ी कितने गुम हो गई। हालांकि यह घड़ी बहुत ही महंगी भी नहीं सी, पर किसान भावनात्मक रूप नाल इस नाल जुड़िया होया सी। इसनू किसी तरह भी वापस लिया चाहता सी। उसने घड़ी नू लभण लई बहुत कोशिश की, कदी कमरे विच तलाश की, कदी छप्पड़ ते कदी अनाज के ढेर विच, पर सारी कोशिश के बाद भी वह घड़ी नहीं लभी। उसने फैसला किया कि वह बच्चों की इस काम विच सहायता लेगा। उसने एक आवाज़ दी ते कहा, सुनो बच्चों, तुहाडे विचों जो भी मेरी गुआची घड़ी लभ लवेगा मैं इसनू इनाम विच 100 रुपए देवांगा। फिर की सी, सारे बच्चे इस काम विच रुझ गए। उन्होंने विहड़े विच बाहर हर जगह हर थां ते पाल करनी शुरू कर दी, पर घंटिया के बीच जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। हुण तकरीबन सारे बच्चों ने त्याग कर दिता ते किसान नू लग्या कि उसनू हुण घड़ी नहीं मिलेगी। फिर एक लड़का उस कोल आया ते बोलिया, चाचा मैनू एक होर मौका दिओ, इस बार मैं यह काम इकल्ले करना चाहांगा। किसान नू की चाहिदा सी, उसनू तां घड़ी दोबारा चाहीदी सी। उसने तुरंत हाँ कर दिती। लड़के ने एक एक करके घर के कमरिया विच जाना शुरू कर दिता ते जदों किसान दे बैडरूम विचों बाहर आया तो घड़ी उसके हाथ विच सी। किसान घड़ी वेख के बहुत खुश होया ते हैरानी नाल पुछया, पुत्तर यह घड़ी कित्थे सी ते जिथे असी सारे असफल होए तैनू एक किवें मिल गई? लड़के ने कहा, चाचा मैं कुछ नहीं किया, मैं कमरे विच गया ते चुप करके बैठ गया ते घड़ी दी आवाज़ ते केंद्रित करना शुरू कर दिता। मैं घड़ी दी टिक टिक सुन दे योग हो गया क्योंकि उत्थे शांति सी कमरे विच, ते फिर मैनू वह घड़ी मिली जो सैल्फ दे पिछे पई सी। दोस्तों, जिवें कमरे दी शांति घड़ी नू लभण विच मददगार साबित होई, मन दी शांति साडी जिंदगी दी महत्वपूर्ण गल्लां नू समझण विच सहायता करदी है। हर रोज़ सानू अपने लिए कोई समां लभना चाहिए जिस विच असी पूरी तरह कल्ले होईए, जिस विच असी चुप चाप बैठ सकते हैं, अपने नाल गल्लां कर सकते हैं, अपनी अंदरूनी आवाज़ सुन सकते हैं। तद ही जिंदगी नू होर चंगी तरह असी जीवांगे। फिर मिलते हैं एक नवी कहानी के नाल। तद तक लई रब रखा।